आज का हमारा प्रोग्राम है भीमसेन महादेव, 5 किलोमीटर दूरी में है और तो द्वार खुल के रहते हैं। तो गाइस आज का हमारा प्रोग्राम है भीमसेन महादेव। अब गांव आए हैं तो महादेव के दर्शन तो बनते ही है, इसलिए आज हमने और हमारे चाचा जी ने डिसाइड किया कि आज महादेव के दर्शन करके आते हैं। तो उसके लिए आज हम भीमसेन महादेव जा रहे हैं, जो हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी में है। और आपको बताना चाहेंगे कि भीमसेन महादेव मंदिर रानीखेत से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी में स्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई करीबन 2500 मीटर है और ये मंदिर हरे भरे देवदार आदि के जंगलों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। मानू के पापा, चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। अब महादेव के मंदिर जा रहे हैं, ये छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं आएंगे तो फायदा ही क्या। महादेवी तो परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। देखो आज हम जा रहे हैं, हमें भगवान जी का त्रिशूल मिला। हाँ चलो 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 चलो। तो गाइस करीबन 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम टॉप में पहुंच गए और हम जहां पहुंचे हैं इसे तिमला का स्वर्ग बोला जाता है। इस जगह की मान्यता है कि इस जगह अगर कोई आ जाए, उसे कितनी भी प्यास लगे, भूख लगे, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के हवा में कुछ ऐसा ही जादू है कि तुम्हें ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी और एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। तो हम अब रोड में पहुँच गए, यहाँ से हम गाड़ी लेंगे ताकि हम भीमसेन महादेव तक जा सकें। वैसे यहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल भी जा सकते हैं, पर हम बच्चों के साथ हैं तो हम गाड़ी ही प्रेफर करेंगे। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा भी, महादेव के मंदिर गाड़ियां मिली नहीं थी तो हमने दूध सप्लायर की गाड़ी में लिफ्ट मांगी और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, बाबा के पास जाओ तो द्वार खुलते रहते हैं। कैसे तो हमको गाड़ी वाले ने इस एरिया तक छोड़ा है, इससे आगे गाड़ी जाती नहीं है, तो यहाँ पे पैदल का रास्ता है। तो अब हम आपको पैदल भीमसेन महादेव के दर्शन कराते हैं। अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल के साथ साथ यह जगह अपनी अद्वितीय प्रकृति की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भीमसेन महादेव 9वीं-10वीं सदी में बनाया गया था और इसलिए ये उत्तराखंड में सदियों से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। गणेश, हरगौरी, महेश मर्दिनी की मूर्तियों के साथ साथ यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष विशाल भंडारे और मेले का सफल आयोजन भी बाबा मोहनगिरी महाराज द्वारा किया जाता है। तो गाइस अब हम मंदिर के विशाल द्वार से होते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरे क्या बात है, घर से निकले थे मैं और चाचा जी और धीरे धीरे हम यहाँ पर काफी लोग जुड़ चुके हैं। मंदिर के उस पॉइंट में आ गए जहाँ से महादेव के मंदिर के भव्य दर्शन होंगे। तो आइए, तो भक्तों बोलो हर हर महादेव। मंदिर के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पहले निःशुल्क जूते और चप्पल रखने की सुविधा है, जहाँ पर आप अपने जूते, चप्पल या लेदर बैग, बेल्ट इत्यादि जमा करा सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड में एक दुकान है जहाँ से आप चढ़ावे के लिए प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कहीं भी प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है, पर यह श्रद्धा का मामला है इसलिए इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। मंदिर में घुसने से ठीक पहले स्वच्छ पानी की व्यवस्था है जहां आप अपने हाथ पांव धो सकते हैं और अपनी प्यास मिटा सकते हैं। वैसे बाबा के भक्तों की प्यास तो बाबा के दर्शन से ही मिटती है। हर हर महादेव। भीमसेन महादेव के इतिहास के साथ काफी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था तो कुछ लोग कहते हैं राजा पिथु ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार निकटवर्ती सोनी गांव में मनिहार लोग रहते थे जिसमें एक दुधारू गाय रोजाना भीमसेन क्षेत्र में घास चरने जाती थी। घर आने पर इस गाय का दूध निकला हुआ होता था।
एक दिन मनिहार गाय का पीछा करने चला गया। उसने देखा जंगल में एक शिला के ऊपर खड़ी होकर गाय दूध छोड़ रही है और शिला दूध पी रही है। इससे गुस्साए मनिहार ने गाय को धक्का देकर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से शिला पर प्रहार किया और शिला से रक्त की धार बहने लगी। इसे देखकर वो मनिहार डर के मारे वहां से भाग गया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां से एक विशाल शिवलिंग प्राप्त हुआ। मंदिर के सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए हम आपको मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकते, पर मैंने इस छोटे से ब्लॉग के जरिए पूरी कोशिश की है कि आपको मंदिर से जुड़ी छोटी वो बड़ी जानकारी दे सकूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। महादेव की कृपा आप में सदैव बने रहे। धन्यवाद।